अरे शिव जी के नागों ने ही तो आपका बेड़ा गर्क करा हुआ है, कहाँ सर्प दोष ने? गुस्से में है ही नहीं वो, कहाँ गुस्से में, तो सिर्फ एक बार तांडव किया था उन्होंने। वो एक भी तुपका अगर भावना से निकला हुआ शिवलिंग पे गिर गया तो वो हजारों समुंदर शिवपुरी में। तो शिवपुरी किसे कहते हैं उसका नाम मैं नहीं लूंगा, शिवपुरी कहाँ है गूगल पर सर्च करें, आपके हर घर के हर एरिया में शिवपुरी होती है। सावन का महीना और सभी भोलेनाथ की भक्ति में डूबे नजर आते हैं। हर कोई चाहता है कि हमसे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं, भले ही वो एक लोटा जल से हो या उन्हें बेलपत्र चढ़ाने से हो, लेकिन सावन के महीने में जो लड़कियां हैं वो पूरी तरीके से भोलेनाथ को खुश करना चाहती हैं। सुबह उठती हैं, जल चढ़ाती हैं, पूजा पाठ करती हैं और व्रत रखती हैं, लेकिन सावन में लड़कों का क्या, वो भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें, कैसे भोलेनाथ को व्रत रखें, पूजा पाठ करें या क्या करें ताकि उन्हें भी अच्छी लड़की की जो तलाश है वो खत्म हो सके, यानी कि अच्छी लड़की मिल सके। यही सब बातों की जानकारी के लिए और यही सब बातों को बताने के लिए और सावन में क्या करें क्या ना करें ये सब जानने के लिए और हमारे सवालों के सभी आंसर देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अजय लूथरा जी, जो हमारे यहाँ कई बार आ चुके हैं और इनकी बातें और इनके उपाय तो आप जानते ही हैं, सभी सच होते हैं। आपके कमेंट मैंने देखे ही हैं कि आपने कई बार मुझे कमेंट भी करा है कि ये जो उपाय हैं वो सारे सच साबित होते हैं। इसलिए सावन के महीने में क्या उपाय करें, कैसे शिव जी को खुश करें और स्पेशली जो पुरुष हैं वो कैसे भोलेनाथ को खुश करें, आप बता दीजिए। मेरा ये धारणा है, मेरा ये मानना है, शिव भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए, वो तो खुद हमें देते हैं। क्या चढ़ा सकते हैं उनको, क्या औकात है हमारी? आपको पता है शिवलिंग के ऊपर जल क्यों चढ़ता है? उनको शांत करने के लिए कहा। गुस्से में है ही नहीं वो, कहाँ गुस्से में, तो सिर्फ एक बार तांडव किया था उन्होंने, उस टाइम तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी उनको शांत कर सके। जल नहीं चढ़ता, आंसू चढ़ते हैं। कौन से आंसू चढ़ते हैं? आपके भावना के आंसू। जब आप शिवलिंग के पास जाकर चौकड़ी मारकर आसन लगाकर भगवान की तरफ शिव जी को मन में ध्याकर अपनी परेशानियों को सन्मुख रखकर कि मैं थक गया हूँ, मेरे काम नहीं हो रहे, बस हो गई है मेरी, बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, टूट चुका हूँ, लेनदार तंग कर रहे हैं, जिन्होंने देना है वो दे नहीं रहे, घर पर मैं वादा कर चुका हूँ कि मैं आपका सबसे बढ़िया पुत्र निकलूंगा, मैं नहीं बन पा रहा है, शिव भोलेनाथ बस हो गई है मेरी, तब जो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे जी। वो एक भी तुपका अगर भावना से निकला हुआ शिवलिंग पे गिर गया तो वो हजारों समुंदर शिवलिंग पे चढ़ाने से लाखों गुना अच्छा है। तो पहले तो वो भाव प्रकट करो जी, पहले तो उस भावना से शिवलिंग के पास जाना है। शिवलिंग को समझ लिया है मेरे पंडित भाइयों ने, क्या जो मर्जी चढ़ा दो, मूली चढ़ा दो, गाजरा चढ़ा दो, पपीता चढ़ा दो, वो चार चीजें, पांच चीजें पंचामृत जी। पंचामृत में दुख, रोग, कर्जा, बदनामी और सबसे मेन चीज लॉन्ग डिजीज, लंबी बीमारी जी। वो शिव भगवान अपने ऊपर लेते हैं जब आप पंचामृत चलाते हैं। हमें पंचामृत का भाव ही नहीं पता, हम क्या करते हैं, ओह पानी नहीं है, गंगा जल नहीं है, चलो पानी पाला, दूध नहीं है, कच्चा दूध नहीं है, चलो उबले ले आ, ठीक है, शहद नहीं है, चल चीनी डाल ले जी। अरे तुम्हारे पिताजी हैं वो हर चीज नहीं चढ़ेगी उनको, प्रॉपर उनके लिए पहले तैयारी करो, दो दिन लगाओ, चार दिन लगाओ, उन्होंने सावन महीना क्या पूरे 12 महीने शिव जी एक्टिवेट है। पहले आधा घंटा लगा के सामान इकट्ठा करो, दो दिन लगाओ, चार दिन लगाओ, सामान इकट्ठा करो, उसके बाद नाग नागिन चढ़ा देते हैं शिव जी के ऊपर जी। नाग नागिन शिव जी के ऊपर रखेंगे, ऊपर तेल के ऊपर, क्यों, शिव जी के नाग हैं। अरे शिव जी के नागों ने ही तो आपका बेड़ा गर्क करा हुआ है, काल सर्प दोष ने, साइड पे रखो इनको, साइड पे रखो, नाग के पास चढ़ाओ और फिर जल चढ़ाओ ताकि इनका दोष उतरे आपके ऊपर से। शिव जी के टेल बिल्कुल जो लिंग के ऊपर नाग चढ़ा देते हैं जी। तो ये विधि विधान। अब कुछ तो मैंने बहन जी परेशान देखी हैं, वो तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाई जा रही है जी। तांबा और दूध
जहर है। कुछ मेरे एक और बड़ी सियानी बड़ी समझदार ऑफिसर ऊपर तांबे का कलश होता है शिवलिंग के ऊपर जिससे बूंद बूंद पानी गिरता है उसी में दूध डालाई है। जिदा जो करदा दिल शिव जी नू कहते हमारे तो पिता हैं और पिता हैं तो पिता नू घर दे बाहर थोड़ी बिठा दोगे। पिता के कुछ कानून है, पिता की बेडशीट साफ रखनी चाहिए, पिता का पिल्लो साफ होना चाहिए, पिता की दवाइयों वाला डिब्बा भी सजा के रखो जी। अगर पिता कोई कुछ चीज नहीं, शिव भगवान को क्या चढ़ना है वो सब ने बता देना है, कैसे चढ़ना है वो मैं बताऊंगा जी। सबसे पहले मन के अंदर भावना है तो जाना, मम्मी ने बोला है, डैडी ने बोला है, पंडित जी ने बोला है ना जाना, मन में भाव है तो जाओ। अगर वहां पर जाकर आपने आसन नहीं लगाया तो भी ना जाना, गए हाथ लगाया जल चढ़ाया बाल्टी भरी ठा मारी बारा नहीं। ओम का उच्चारण एकाक्षर कहते हैं, ओम एकाक्षर, एक अक्षर का मंत्र है जी। एकाक्षर मंत्र ओम जब आपने उच्चारण करना है तो आपके कपार तक खुल जाए, मंदिर के ऊपर से आवाज आकर आपके कानों में आनी चाहिए, आपको पता चले आप मंदिर से होके आए हो। एक साल पूरा मंदिर ना जाना दोबारा, आज गए हो ना ढंग से जाके आओ। उसके बाद फिर उपायों की बात आती है, जिस व्यक्ति का रोग नहीं दूर हो रहा वो बेलपत्री चढ़ाए, दो ले जाए, एक चढ़ाए एक उठा के जेब में डाल ले, अब बीमारियां दूर होंगी। दूसरी बात, अब व्यक्ति कहता है कि मेरा कर्जा नहीं माफ हो रहा, अब दो शहद की शीशी लेनी है, एक चढ़ा देनी है, दूसरी लाके अपने बेड के साइड पर रख लेनी है। कनेक्शन तो रखो अपने बाप के साथ जी। कि पिताजी मैं चढ़ा गया था, मेरा काम हो जाएगा फिर आऊंगा जी। ठीक है। अब लड़कियां कहती हैं मेरी शादी, शादी डेफिनेटली होगी, शिवलिंग ही शिवजी भगवान ही अपना रूप लेकर उनके पति में आकर उनके घर पे शादी कराने आते हैं। और ध्यान से उपाय करना, शिवजी ही आए कहीं भैरव ना आ जाए जी। आ जाते हैं भैरव, पता है उपाय गलत हो जाए तो हम कहते हैं हमने तो सावन किया था, उपाय तुमने भैरव के कर दी, वहाँ पे क्या सरसों का तेल चढ़ाई, क्यों पंडित जी ने बोला सरसों के तेल का अभिषेक करो, सरसों के तेल का अभिषेक रात को दुश्मन नाश के लिए होता है, और वो तब होता था जब दूसरी सेनाएं राजा चढ़ के आ जाते थे, हम तो पड़ोसन को दुश्मन समझ के सरसों के तेल का शिवलिंग के पे अभिषेक कर देते हैं। तो फिर आ जाते हैं भैरव पति घर पे, हम कहते हैं हमने शिव जी का पाठ किया था, तो फिर कचहरियाँ वकील कलेश तलाक ते दूजा ब्याह ते तीजा ब्याह ते चौथा ब्याह, बेड़ा गर्क ठंडी सड़क की करोगे। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आपने अगर शिवजी भगवान को इस सावन मास में पूजना है तो एक दिन पहले रिसर्च करो शिवजी भगवान चाहते क्या थे जी। प्रथा पे ना चलो, केले चल शिवजी ते, पंग चल शिवजी ते, दतूरा चल शिवजी ते, भूत पिशाचनी चल शिवजी ते, शिवजी ये यार पिताजी हैं, नो डाउट वो आपके पिताजी हैं, परंतु पिताजी के कुछ कानून हैं, हर जात हर धर्म हर बिरादरी के अपने अपने पिता होते हैं जी। हर पिता का अपना कानून होता है, शिव भगवान के आप बच्चे हो, आप उनके समाज भरा हुआ है। अब एक पिता के 11 बच्चे हैं जी। पिता का पहले बच्चे से संबंध अलग है, दूसरे से अलग है, तीसरे से अलग है, सबसे छोटे वाले से अलग है, तो आप पहले चेक करो आप कौन से नंबर वाले बच्चे हो, भगवान से आपका कितना कनेक्शन है। आप पिछले पूरे 12 महीने में शिव मंदिर के पास से नहीं गुजरे, गुजरे भी तो आपका ध्यान नहीं गया, जब ध्यान भी गया तब आपकी गाड़ी में शराब की बोतल पड़ी हुई थी, ठेके से आ रहे थे आप, तो आपका ध्यान इधर हो गया, हो तब तो पिताजी की तरफ देखा नहीं आपने, अब सावन आ गया तो परेशानियां याद आ गई हैं। तो मैं ये चाहता हूँ एक दिन पहले रिसर्च करो शिव भगवान चाहते क्या है, मुझसे नहीं पूछना, खुद रिसर्च करो। ठीक है। पिता मेरे हैं आपके भी, तो उसके बाद फिर आप मानो शिव भगवान चाहते क्या है, अपनी परेशानी के हिसाब से जाके पूजा करो, एक दिन निकल लो। सारे सोमवार भी करता हूँ, ये सुनाने के लिए करते हैं, मैं तो सारे सोमवार भी कर दिया, मैं तो सारे मंगलवार भी कर दिया, मैं तो ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अगर तुम्हें याद है ना क्या करते हो तो वो तुम लिख रहे हो, तुम गिन रहे हो, उसका फायदा ही नहीं होगा, कर दिया है भूल जाओ। तो इस बाब मेरे थोड़े से एजेंडे लग रहते हैं, आपको पता है, तो जो भी सही बात है, क्योंकि कोई भी पूजा
करना बहुत जरूरी होता है, जैसे लूथरा जी ने भी बताया, लेकिन कोई भी पूजा नियमानुसार करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नियम के अनुसार पूजा करते हैं तभी वो पूजा सफल हो पाती है। अब सावन आ रहा है और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सब कोशिश करेंगे, लेकिन वही लोग सफल हो पाएंगे, उन्हीं लोगों की मनोकामना पूरी हो पाएगी जिन्होंने नियम के अनुसार पूजा की होगी, नियम के अनुसार अभिषेक किया होगा और नियम के अनुसार शिव जी को खुश किया होगा। अब ये तो हो गई लोगों की बात, जनता की बात। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप भोलेनाथ को कैसे खुश करते हैं? मैं खुश क्यों करूं, वो नाराज आए नहीं मेरे से। खुश तो वो करे व्यक्ति जिनसे वो नाराज हो गए। और भगवान बोले तो इतने बोले हैं, सपने में भी ओम नमः शिवाय बोलना है सपने में, तो प्रैक्टिकल में वो धन के रूप में, इज्जत के रूप में, कारोबार यश के रूप में आपके घर आ जाते हैं। आपको एक छोटी सी बताता हूँ, वो एक अक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, ये मंत्रों का कारण क्या है? एकाक्षर मंत्र जो है ओम जी, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो मंत्र है इसका आपके सांसों के साथ संबंध है। ओम, फिर आते हुए नीचे दूसरी सांस से नमः शिवाय, ठंडे गरम ठंडे। आपने कितनी आंटियों को गंगा जल में स्नान करते हुए हरिद्वार में देखा होगा, ओपा जी क्यों शिव जी तंग कर देता, क्या कर क्या बिगाड़ दिया गंगा मैया ने आपका, जय गंगा मैया जय गंगा मैया, आराम से। तो मैं जो शिव जी भगवान को पाठ पूजा जैसे करता हूँ, सबसे पहले मेरा ये मन होता है कि शिव भोले की जगह पे जाओ जहाँ शिव भगवान रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? शिवपुरी में। शिवपुरी किसे कहते हैं उसका नाम मैं नहीं लूंगा। शिवपुरी कहाँ है गूगल पर सर्च करें, आपके हर घर के हर एरिया में शिवपुरी होती है। शिवपुरी कहते हैं क्रीमेशन ग्राउंड शमशान घाट, वहाँ पर शिव का वास है। तो वहाँ पर जाएं सुबह 5:30-6 बजे, नहा धोकर जाएं। अगर आप शिव को चाहते हैं कि आपके घर पर शिव 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 हो जाए, तो मैं वहाँ जाता हूँ और जाता हूँ पूरे इस श्रावण मास के अंदर 2 या 3 या 4 बार। हरिद्वार नहीं जाया जाता क्योंकि कुछ ट्रैफिक नियम्स होते हैं, लाइफ बिजी होती है, और कुछ हमारे जो कांवड़ यात्रा में मेरे भाई जो जुनून के साथ जा रहे हैं उस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो जाता है, पहले होता हूँ बाद में होता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें शिवपुरी में जाना है, वहाँ पर शिव साक्षात विराजमान है, वहाँ पर एक बार पूरा मंत्र पढ़ना है और तो संपूर्ण दूध का एक पैकेट रख कर आना है, एक घोल कर चढ़ा कर आना है। बस रख कर इसलिए आना है ताकि आसपास के, क्योंकि शिवपुरी में ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं और वहाँ पर जो शिवपुरी में लोग बैठे हैं उनको भी चाय पीनी है जी। तो एक पैकेट उनके लिए जी, एक पैकेट शिव भगवान के लिए अर्पित करता हूँ, वापस आता हूँ, प्रभु कृपा ही होती है जी। मतलब और कोई भी अगर जाना चाहता है तो वो वहाँ तरीका पहले सुने, गूगल पे पढ़े, नेट पे पूछे, मुझसे ना पूछे जी जी। तो अच्छा ये तो बात हो गई, बस आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ये बता दीजिए कि जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो भोलेनाथ को खुश करने के लिए सावन का इंतजार करती हैं कि जैसे ही सावन आता है हम भोलेनाथ पर जल चढ़ाएंगे, उन्हें खुश करेंगे और अच्छा वर पालेंगे, लेकिन सावन में जो लड़के हैं वो क्या करें, वो भोलेनाथ को कैसे खुश करें? लड़कों को मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, जो जो व्यक्ति शिव भोलेनाथ को पा लेता है उसकी गद्दी पर शिव का विराजमान होता है, उसको धन की कमी नहीं आती। मैं चाहता हूँ जितने भी लड़के अपनी परेशानी जिन जिन की भी है वो अपने हिसाब से, अगर उनको सेहत में या कुछ, मैं आज के यूथ की बात करूँ, कुछ जो यूथ मेरे भाई छोटे या मुझसे बड़े लोग जो लड़के हैं, यूथ है जो नशे में है, उनको मैं चाहता हूँ कि शहद चढ़ा कर आओ शिवलिंग पे, थोड़ा नशा टूटेगा आपका और कारोबार में ध्यान जाएगा आपको। मतलब कितना यूथ है हमारा ऐसा जो बचपन में कहीं गलतियों से नशा तो कर बैठे हैं, आज वो खुद बेड से उठना चाहते हैं, उठ नहीं जा रहे, लेजीनेस महसूस कर रहे हैं कि मैं उठना चाहता हूँ। उनको मैं कहता हूँ कि सुबह सुबह जल्दी उठाएं, सूर्य उदय के समय शिव जी भगवान के ऊपर आपने शहद चढ़ाना है और नहा धोकर वापस आके घर आके सोना नहीं है, कार्य पे जुट जाना है, अच्छे कपड़े पहन के, सफेद कपड़े पहन के कार्य में जुड़ो 100%। इस महीने आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी, जॉब करते हो तो जॉब में, कारोबार करते हो तो कारोबार में, विदेश जाना है तो विदेश पहुंचोगे, जो आपकी इच्छा है इस महीने पूरी होगी, ऐसा मैं दावा करता हूँ।
जी, तो छोटे छोटे उपाय हैं, सावन का महीना है, हो सकता है जो ये बोल रहे हैं इनका दावा सही हो जाए, तो आप ये वाला उपाय जरूर करिएगा। और आपके भी अगर कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। नीचे मेल आईडी चल रही है, इस मेल आईडी पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप कुछ भी उपाय जानना चाहते हैं या अगर आपकी कोई भी परेशानी हो, आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमें एक कमेंट जरूर करें। और लूथरा जी के द्वारा बताए गए उपाय अगर सही हो जाए तो आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हम आगे भी आपको ऐसी ही विशेष जानकारियां देते रहेंगे और ऐसे ही पॉडकास्ट में चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए जीवांजलि। लूथरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद जी, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।